जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर आजकल अच्छी चीज का सम्मान नहीं हो रहा है और सिर्फ गलत चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार के होमगार्ड जवानों को भी ग्रेट पे का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास पर लगाया जनता दरबार। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की भी बात कही गई। जमशेदपुर के घाटशिला विधायक सह झामुमो जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सरायकेला के आदित्यपुर स्थित मेरिट्विना अस्पताल में किया गया भर्ती, जहां डॉक्टर ने कहा फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पटना के दीघा विधायक संजीव चौरसिया पटना एम्स पहुंचे और वैक्सीन लगवाकर विरोधियों को करारा जवाब दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये देश का वैक्सीन है। चाईबासा मुख्य मार्ग NH 220 पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक आर्मी जवान की हुई मौत तो वहीं 4 लोग बुरी तरह हुए घायल। फिलहाल घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पौने 1 बजे सूचना मिली थी कि ग्राम बगराईसाई में एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिस पर तुरंत पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया। पता चला कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल थे। मधुबनी में जिले के भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों को मिली बड़ी सफलता। 300 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। राजेंद्र सेतु पर व्यवसायिक वाहनों के अवैध परिचालन को लेकर बाढ़ ASP सख्त। इस दौरान बालू से लदे 60 ट्रक को किया जब्त। बालू माफिया में मचा हड़कंप। बाढ़ में शराब कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। गुप्त सूचना के आधार पर 1 मकान से 62 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ एक महिला हिरासत में। जमशेदपुर के पोर्ट का मुख्यालय में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक रोगियों के लिए कैंप का किया गया आयोजन। इस दौरान रोगियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। सरायकेला के खरसावा जिले के तिरुलडीह में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। बता दें, हाथी ने कच्चे मकान को तोड़ दिया तो वहीं खलिहान में लगे धानों को भी नष्ट कर दिया। लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंदवा नगर इकाई के द्वारा राज्य की एकीकृत उच्च विद्यालय में छात्रों के बीच मास्क का किया गया वितरण। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। लातेहार जिले के मुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय का अभाव। शौच के लिए लोग जा रहे नदी किनारे। बता दें, स्वास्थ्य समिति की मीटिंग के बाद भी नहीं बना शौचालय। सरायकेला खरसावा जिला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के राजवायर कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट पर टाटा स्टील का लोगो प्रयोग करने का लगा आरोप। खबर मिलने पर पुलिस ने की थी कंपनी में छापेमारी। बोकारो में चोरों के हौसले बुलंद। रात के अंधेरे में 2 फोर व्हीलर लेकर फरार हुए चोर। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में हुई कैद। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में बेटी की आबरू बचाने में मां की गई जान। छेड़खानी का विरोध करने पर बेटी के सामने अपराधियों ने मां को मारी गोली। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गोपालगंज पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, जहां थाने में गुहार लगाने गए युवक की पुलिस ने की पिटाई। इतना ही नहीं, युवक से 2600 रुपए भी ले लिया। अरवल जिले में दिसंबर माह का राशन नहीं मिलने पर राशन कार्ड धारियों ने PDS दुकानदार के खिलाफ किया हंगामा। इस दौरान BDO ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दुकानदार के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लातेहार के चंदवा के गोड़ी टांड में छेड़खानी कर रहे 2 युवकों की ग्रामीणों ने की पिटाई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के CRPF कैंप का गृह मंत्रालय के वरीय सुरक्षा सलाहकार ने किया निरीक्षण। इस दौरान मौके पर सभी सुरक्षा एजेंसी के पदाधिकारी रहे मौजूद। अरवल में धान खरीदने के फरमान पर अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले आज से शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। इस दौरान भाकपा माले विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के साथ किया गया एक और बड़ा धोखा। सहरसा में उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए गाड़ियों की नीलामी को लेकर लोगों ने किया हंगामा। लोगों ने अधिकारियों पर नीलामी में धांधली का लगाया आरोप। सरायकेला जिला के कबाली नगर परिषद क्षेत्र के बंधुगोड़ा में मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन ने बैठक का किया आयोजन। इस दौरान कमेटी के विस्तारीकरण पर की गई चर्चा। चाईबासा के समाहरणालय सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति ने उपायुक्त अरवा राज कमल की अध्यक्षता की बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि चाईबासा शहरी क्षेत्र में CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इसको लेकर नगर परिषद चाईबासा होर्डिंग्स की व्यवस्था करेंगे। वहीं बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी बात कही गई।
सीतामढ़ी प्रशासन के द्वारा मधुबनी पेंटिंग को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाई जा सके इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसकी कड़ी में सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के द्वारा वैसे धार्मिक स्थलों को मधुबनी पेंटिंग से सजाने का काम कराया जा रहा है, जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है।